नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर राजधानी भोपाल से। कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण होगा। 2 फरवरी को मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण होगा, जो कि दिल्ली में बना है नया मध्य प्रदेश भवन। धार बड़वानी निकाय चुनाव की सफलता पर बधाई। अधोसंरचना निर्माण योजना की शुरुआत होगी। नगरीय निकाय में बजट का भी प्रावधान किया गया है। नर्मदापुरम में 4 लेन मार्ग को स्वीकृति मिली है। सिवनी में 108 करोड़ की सड़कों की स्वीकृति हुई है। सागर मेडिकल कॉलेज में पीजी में 85 सीट बढ़ाने की स्वीकृति हुई है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर माहौल लगी है। कहीं दिल्ली में नए मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण होना है, जिसको लेकर की तैयारियां भी जो है की जा रही हैं। 2 फरवरी को लोकार्पण होना है नए मध्य प्रदेश भवन का। कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कई प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी मिली है। जो आज बैठक हुई शिवराज कैबिनेट की, उसको लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जिसको लेकर कई प्रस्ताव यहां पर जो है मंजूर किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, कैबिनेट में कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा हुई, कई प्रस्ताव भी यहां पर मंजूर किए गए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से प्रमुख मुद्दे, क्योंकि चुनावी साल है तो कई सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा हुई, साथ ही कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव जिसको यहाँ पर मंजूरी दी गई इस बैठक में। बिल्कुल, प्रदेश कार्य समिति की बैठक के पहले शिवराज कैबिनेट की मंत्रालय में बैठक हुई, जिसमें और बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान ने तमाम विषयों पर चर्चा की। खासतौर पर बात की जाए बड़वानी और धार में जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आए, उसको लेकर कैबिनेट के सभी मंत्री को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी। साथ ही 2 फरवरी को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण किया जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की गई। और उसके बाद बात की जाए स्वराज कैबिनेट की, तो स्वराज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिस प्रकार से अनुकंपा नियुक्ति की यदि बात की जाए, तो लगातार उसमें अनुकंपा नियुक्ति देने को लेकर दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते प्राथमिक शाला संविदा शिक्षकों को प्रयोग शाला सहायक के रूप में जो पद स्थापना है वो की जाएगी, जिससे अनुकंपा जो नियुक्ति है उसमें किसी प्रकार की समस्या और परेशानी नहीं आएगी। और जो अनुकंपा नियुक्ति जिनको नहीं मिली है, उनको कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में अनुकंपा जो नियुक्ति है वो शिक्षा विभाग में मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही सागर मेडिकल कॉलेज की यदि बात की जाए, तो लगातार सागर मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीट बढ़ाने को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। आज महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया, जिसमें 85 जो सीट है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार सिवनी की यदि बात की जाए, जिला सिवनी में 108 करोड़ रुपए की जो सड़क है उसको कहीं ना कहीं स्वीकृति मिल चुकी है। इसी प्रकार नर्मदापुरम में लगभग 150 करोड़ रुपए के 4 लाइन मार्ग को लेकर जो स्वीकृति है वो स्वराज कैबिनेट में मिलती हुई नजर आई। वहीं बात की जाए बजट के प्रावधान की, तो अधोसंरचना निर्माण की जो शुरुआत है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बजट का जो प्रावधान है वो रखा गया था, और बजट को लेकर जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कई सारे जो है प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। साथ ही विवेक जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली में नए मध्य प्रदेश, आपने भी जिक्र किया है यहाँ पर नए मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण होना है, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी, कौन कौन से नेता यहाँ से पहुँचेंगे, इस बारे में कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, दिल्ली में जिस प्रकार से नए भवन मध्य प्रदेश भवन का निर्माण होना है, तारीख जो है वो 2 फरवरी डिसाइड कर ली गई है। और बात की जाए तैयारी की, तो तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों से चर्चा की गई है। जिस प्रकार से तारीख जो सामने आई कि 2 फरवरी को इसका जो उद्घाटन है वो किया जाएगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं
वे सभी 2 फरवरी को दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, सभी नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा धार बड़वानी जो निकाय चुनाव की सफलता मिली है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी उत्साहित होगी, और आगामी समय में क्योंकि इसी साल नवंबर में जो है 2023 में चुनाव होने हैं, चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं और ज्यादा उत्साहित हो गई होगी, और ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव संकेत भी है। बिल्कुल, 2023 का विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने बचे हैं और लगातार बीजेपी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार से बात की जाए बड़वानी और धार के नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आए, तो कहीं ना कहीं इस परिणाम से लेकर बीजेपी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं एक खुशी के माहौल पर है। और जिस प्रकार से प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई, तो ये तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा था कि बूथ स्तर को मजबूत करने को लेकर लगातार बीजेपी पार्टी काम कर रही है। साथ ही बात की जाए बूथ विस्तार अभियान 2 की यदि बात की जाए, तो आज उसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रदेश कार्य समिति में जो मंथन है वो एक बार फिर देखने को मिल सकता है। पूनम, बिल्कुल जिस प्रकार से और यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए पॉजिटिव संकेत। इसके अलावा नगरीय निकाय बजट में, नगरीय निकाय में भी बजट का प्रावधान किया गया है, इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, नगरीय निकाय के बजट के प्रावधान की यदि बात की जाए, तो अधोसंरचना निर्माण की योजना को लेकर नगरीय निकाय ने जो बजट का प्रावधान है वो स्वीकृत कर दिया है, मगर बजट की यदि बात की जाए तो उसको लेकर मंथन किया जाएगा, अधिकारियों के साथ पूरी समीक्षा की जाएगी। मगर इतने दिन से विचार विमर्श किया जा रहा था कि अधोसंरचना के निर्माण की जो योजना है वो कब बनाई जाएगी, और शिवराज कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा गया, और प्रस्ताव के बाद कहीं ना कहीं इस अधोसंरचना निर्माण की योजना का जो बजट का प्रावधान है उसको कहीं ना कहीं जो स्वीकृति है पूनम वो मिल चुकी है। अब जी जी विवेक जी बने रहिएगा, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं, बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई, और आगामी जो कार्य योजना है उनको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। नगरीय निकाय में बजट का यहाँ पर प्रावधान किया गया, कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई, और साथ ही 2 फरवरी को मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण दिल्ली में होना है, उसको लेकर भी यहाँ से कई नेता उसमें शामिल होने वाले, इसको लेकर भी चर्चा हुई है।